अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तकबाल है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियती इदारों को मजबूत करेगी और कहा कि पिछली VRS हुकूमत ने इन्हें कमज़ोर किया था। इन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियती कॉलेजेस में बग़ैर किसी शर्त के 120 सीटों का इजाफा किया है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो यहाँ अक़लियती इदारों की इंतज़ामिया की जानिब से चीफ मिनिस्टर अनुमला रेवंत रेड्डी और शब्बीर अली का अक़लियती तालीमी इदारों के हकूक़ के तहफ़ में इनकी कोशिशों का शुक्रिया अदा करने के लिए मुनक़िद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इन कोशिशों में डिग्री कॉलेजेस में दाखिले के लिए डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना DOST के अमल से अक़लियती इदारों को मुस्तशना करना और अक़लियती पेशावराना कॉलेजेस में तुलबा के दाखिले में इजाफे को मंजूरी देना शामिल है। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है 90s न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट। तो मैं जहाँ तक हो सके हमारी इंटरनल डिस्कशन में ये हुआ कि ये 2 लाख रुपये का फार्मर्स का 15 अगस्त को खत्म हो जाएगा और छोटे छोटे होने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जरूर अप टू 75% तक हम लोग आप लोगों के पुराने ड्यूज जितने हैं उसको क्लियर करके उसके बाद सीएम साहब ने ये कहा कि इसके बाद ये इंस्टीट्यूशन वालों को मस्त आओ, इनको ग्रीन चैनल में रख दो। शब्बीर अली खान, शब्बीर अली साहब एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना SC ST माइनॉरिटीज, जायर आलम खान साहब जॉइंट सेक्रेटरी अम्मालूम एजुकेशन एसोसिएशन, जनाब जफर जारी साहब सेक्रेटरी सुल्तान आलम एजुकेशन सोसाइटी, जनाब बॉस साहब सेक्रेटरी आजाद एजुकेशन सोसाइटी, डिस्टिंग्विश गेस्ट, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं नवाब महबूब आलम खान साहब और नवाब मुजाहिद आलम खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ आज के इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन ऑनर ऑफ जनाब शब्बीर अली साहब, सबसे पहले तो मैं नवाब महबूब आलम खान साहब और मुजाहिद आलम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और चंद चीज़ें जो पिछले हम 10 साल से मैं बहुत करीब रहा हूँ नवाब महबूब आलम खान साहब और मुजाहिद आलम खान साहब के, और पिछले 10 साल से हम जो परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का अगर वजूद अमल में है तो सिर्फ महबूब आलम खान साहब की वजह से। के जो रेवंत रेड्डी साहब ने ब्लैंकेट परमिशन दे दी कि जितने माइनॉरिटी कॉलेज है पूरे 120 सीटें बढ़ा देगा, एक दो तीन नहीं। मैं एक्चुअल कुछ ही जो प्रेजेंटेशन आए थे भेजाया तो उन्होंने बोले शबीर भाई कहीं कोई एक दो पूरे दे दो, जितने इंजीनियरिंग वाले जो लेना चाह रहे हैं चलो। ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर शायद ही कभी मिला होगा कि वन साइड आप लोगों को परमिशन हम दिए एक कर लो। इसी तरीके से वो भी एक मसला हो गया कि दोस्त का स्कीम का मैंने दोस्त से तो निकालने लगा, लेकिन एक अच्छी बात अब मालूम हुई मुझे कि जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन में कि स्कॉलरशिप जो है उसमें हमारे बच्चों को नहीं आ रही, जिससे ऑनलाइन में यानी ऑफलाइन हो जाने के बाद दोस्त से माइनॉरिटीज को तो एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन जो एक्सक्लूड हो गया वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिल सक रहा। जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा हुकूमत के सामने ये तमाम चीज द्वारा मुझे सही तरीके से आप लोग रिप्रेजेंटेशन बना के देंगे तो मैं उनको भी इंक्लूड करके ये जिस तरीके से दोस्त स्कीम में जो लोग हैं जो दोस्त से माइनॉरिटीज को क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इन लोगों का, लिहाजा उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी फीस मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो एजुकेशन बढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम ही नहीं क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के। यहाँ पर बिशप हमारे रॉयल कॉलेज के चेयरमैन साहब आए कि साहब हमको रॉयल कॉलेज और अकेडमी को
स्टूडेंट्स और कॉलेजेस को नहीं मिल रहा। मैंने विद इन वन वीक के अंदर सारे कॉलेजेस के उनके उसको कंप्लीट करके भेजा के बोला धरोहर कांग्रेस की सरकार है, ये आपकी सरकार है, ये मुस्लिम क्रिश्चियन दलित के वोटों से बनी हुई सरकार है, आपको बिल्कुल सिर्फ बड़े लोगों की नहीं है। जैसे कि केवी राव साहब ने हमारे बताए कि ये लोग 300 400 करोड़ रुपए लगा के इलेक्शन कैसा लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बोले केवी राव जी। आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी समय मिला आप मुझे थोड़ा ब्रीफ करिए, ऐसा दिख रहा है कि आप बड़े इंसाइक्लोपीडिया है, क्या क्या स्कैंडल हो रहे हैं, क्या हो रहा है, थोड़ा मेरे को ब्रीफ करिए तो मैं भी आगे सीएम साहब के सामने पेश करूंगा। और आप लोगों ने कहा जो अच्छा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में बैठकर कोई अच्छा काम करते कोई सहाबी तो शुक्रिया अदा करते थे, ये बुरी बात नहीं है, सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन अमल नहीं होता। जब 2004 में हमारी सरकार बनी, राजशेखर सीएम बने, 56 डेज के अंदर कांग्रेस हुकूमत ने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा का अमल में आया। सिर्फ एजुकेशन में नहीं, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल बॉडी सिलेक्शन में भी हमने 5% दिया, लेकिन संघ परिवार के लोगों ने उसको चैलेंज किया हाईकोर्ट में, डिविजनल बेंच, फिर उसके बाद 5 जजेस हेडेड बाय द चीफ थे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब के बेंच पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मुकाबला हुआ, लेकिन गवर्नमेंट हार गई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि गवर्नमेंट मुसलमानों को मुस्लिम के नाम मजहब के बोले बगैर सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम से अगर है उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं, मगर 3 कंडीशन लगाए। कंडीशन नंबर 1, नाउ रिजर्वेशन स्टेट में 46% है, लेकिन 5 ऑफ देने से 51 हो गया। 51 होने से इंदिरा साहनी जजमेंट जो 11 जजेस का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हाईकोर्ट ने बार लगा दिया कि 50% से रिजर्वेशन नहीं करना टोटल इंडिया, कोई भी स्टेट हो विद इन द 50% वो नीचे ऊपर कर लो, एससी एसटी पीसी मराठी बढ़ा लो कम कर लो, लेकिन अबोव द 50% नहीं कर सकते, तुमने वायलेट करे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, लिहाजा आपका स्टेप डाउन कर रहे हमारा 0-30, 0-33। सेकेंड बोले कि माइनॉरिटी कमीशन बीसी कमीशन के रिपोर्ट के बगैर आप बीसी ई कैटेगरी में कैसे लाते हैं, आप बीसी कमीशन का रिपोर्ट लेके आओ। नंबर 3, उसके अंदर ये था कि जब तक तुम लोग मजहब का नाम ले गए तो रिजर्वेशन नहीं चलेगा, मजहब का नाम मतलब उनकी बैकवर्डनेस का हमको सर्वे करके बैकवर्डनेस बताओ, ये 3 कंडीशन लेके आओ। बनाने के लिए ये इंट्रैक्शन सभा के सदर मेरे साथी जफर जावेद साहब, शाहराम जी, मुजाहिद आलम खान और साहब, लाइफ चेयरमैन अब्दुल अल्लाह कॉलेज केवी राव जी, बादशाह मोहिद्दीन जी और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के यहाँ पर इंतजामिया या आपसे बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर अमना जी, मीडिया के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मीडिया के साथियों, हमारे कांग्रेस के भी ऑर्गेनाइजर्स आए हुए हैं, उनका सबका यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट पहले से कहती है कि कांग्रेस पार्टी सभी भी थी, ये माइनॉरिटी की दोस्त हुकूमत है, माइनॉरिटी को